धाकड़ खबर। YouTube पर सर्च करें धाकड़ खबर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। जी हाँ, मैं इस वक्त सत्यवती कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ। 5 सितंबर को आप हम सभी जानते हैं कि गौरी लंकेश जी को बेंगलुरु में उनके आवास पर 3 गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। यूथ उसको लेकर क्या सोचता है? एक महिला पत्रकार की हत्या होना एक बहुत बड़ा दुर्घटना है इस देश के लिए। और आज के टाइम में जो जनरेशन यंग लेडी जो खासकर जर्नलिज्म में है, अगर वो गौरी लंकेश की जी की तरह अपनी विचारधारा या अपने व्यूज़ लोगों के सामने रखेंगी तो उन पर क्या बीत सकती है, वो क्या इस बारे में सोचती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं गौरी लंकेश जी एक बहुत अच्छी लेखिका थी, बहुत अच्छी सोशलिस्ट थी, बहुत अच्छी पत्रकार थी। पत्रकार जो होता है एक समाज का आईना होता है, जो हमारी सरकार और जो हमारी जनता होती है उसके बीच में एक माध्यम होता है, एक आईना होता है सच दिखाने का। तो गौरी लंकेश जी वो नाम है, हम सभी पिछले दिनों से काफ़ी उनके बारे में सुन रहे हैं। जब से उनकी हत्या हुई है सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड आ गया है। कुछ लोग आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी इस तरह के बंदे और गंदे वर्ड यूज़ करें कह रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो उनके सपोर्ट में हैं, उनके बारे में हमारा यूथ सोचता है, स्टूडेंट क्या सोचते हैं, हम सब उनसे बात करने के लिए आज यहाँ सत्यवती कॉलेज के बाहर पहुँचे हैं। मेरे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं महिला से बात करता हूँ कि एक महिला पत्रकार की हत्या हुई है, आगे चलकर हो सकता है जो हमारी ये जनरेशन है वो डरे पत्रकारिता करने से या जर्नलिज्म करने से, तो मैं उनसे क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अक्षता भाटिया। तो बताइए, जिस तरह से गौरी लंकेश जी की हत्या हुई है, एक महिला पत्रकार की हत्या होना बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत बड़ा कलंक है इस देश के लिए, तो आपका क्या व्यूज़ है? कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर उन्हें अभी भी मरने के बाद भी गालियाँ दे रहे हैं। देखिए, मैं यही मानती हूँ कि उनकी हत्या एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेज रही है आगे, लेकिन इसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग जो है इनके खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हर किसी के पास एक डेमोक्रेटिक राइट है, वो अपने व्यूज़ अपनी सोसाइटी में बिना डरे रख सकते हैं। ये उनको राइट दिया गया है और ये हमारी गवर्नमेंट ने ही दिया है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्होंने अपना कोई पर्टिकुलर व्यू दिया है और उसके लिए उनकी हत्या कर दी गई है? ये सही नहीं है। और इस वजह से जो लोग डर रहे हैं, स्पेशली लड़कियाँ डर रही हैं जर्नलिज्म करने से, उनको नहीं डरना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि उनका ये एक राइट है जो उनको दिया गया है, ये उनको अच्छे से एक्सरसाइज कर सकती हैं बिना डरे। अगर ऐसा हुआ है और सब इसका विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे उन लोगों को गालियाँ दे रहे हैं जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री कुछ फॉलो करते हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जिन्हें उन्हें गाली दी है उन्हें मरने के बाद कि एक कुतिया मरी, काफ़ी सारे लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे गंदे वर्ड यूज़ किए हैं, और उन लोगों का हमारे प्रधानमंत्री खुद फॉलो करते हैं। किस तरह के लोग हैं ये, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जो राइट आपको दिया गया, अगर आप उस पर सोच के सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो आप गलत हैं। अगर आपको जो राइट दिया है अगर आप उस पर स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो आप किस बात की पोजीशन लेके बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। देना देना नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर कोई किसी सोसाइटी में पोजीशन होल्ड करता है तो उनको सोचना चाहिए कि उनकी जो आवाज़ है 100 लोग सुन रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, और उनको इस बात के लिए स्टैंड लेना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि ये सही नहीं है, एक डेमोक्रेटिक राइट है जो उन्होंने यूज़ किया, उसके बाद भी अगर उनकी हत्या कर दी गई है तो बिल्कुल गलत है। और इसे जो गलत मैसेज दिया जा रहा है उनको इसका एकदम अपोजिशन में आना चाहिए। आप क्या समझते हैं किस तरह की सिचुएशन रही होगी वहाँ पे? क्या लॉ एंड ऑर्डर का मजाक नहीं कि दिन दाड़े किसी को भी 3 गोली मारे? लॉ को लेके, कानून को लेके आपका कोई सवाल नहीं है? मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो इनकी पोजीशन आ गई है मैं उसको एक मॉक की तरह ले रही हूँ, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं लोगों के लिए ही है, ये लॉ एंड ऑर्डर लोगों के लिए ही है। अगर ये लोगों के विरोध कर रहे हैं, अगर ये उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का? नहीं, हमारे देश में क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी मजबूरी है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, जिस कारण कोई भी दिन दाड़े किसी को मार के जा रहा है, कभी लिंचिंग के नाम पर किसी को मार देता है, कभी विचारधारा के नाम पर किसी को मार देता है, कभी उसके खाने पीने के ऊपर किसी को मार देता है। आजकल देश में एक माहौल पैदा हो जा रहा है, लोग बट रहे हैं, समाज के नाम पर बट रहे हैं, लोग धर्म के नाम पर बट रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं किस तरह का मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग, जाति, जेंडर, ये सबके ऊपर एक ही चीज़ आती है, इंसानियत। आप आए हैं तो इंसान बनकर आएंगे और इंसान बन के ही जाएंगे, अपना धर्म जाति अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, तो वो चीज़ को पहचानिए। बी ह्यूमनिस्ट। इनका कहना है कि बी ह्यूमनिस्ट, सबसे पहले आप एक इंसान है, धर्म जाति मजहब ये सब बाद में, पहले आप एक इंसान है और आप उसी को फॉलो कर, आपको इंसानियत को ही फॉलो करना चाहिए। इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर लोगों को मदद करनी चाहिए। और गौरी लंकेश जी के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि सबको इस देश में डेमोक्रेटिक हक है, और ये हमारी गवर्नमेंट ने हमें दिया, हमारे संविधान ने हमें ये हक दिया है, और हमें अपनी बात रखने का हक है। सामने वाला उसे किस तरह से लेता है किस तरह से नहीं लेता ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें अपनी विचारधारा रखनी चाहिए, अपनी सोच हमें रखनी चाहिए। कुछ और लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं गौरी लंकेश जी की हत्या के बाद, ये किस तरह का माहौल बना है सोशल मीडिया पर, आप लोग देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए जो ट्रोल कर रहे हैं बार बार,
ये हत्या कहीं ना कहीं हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री में अकेले गौरी लंकेश और एक महिला समुदाय का नहीं है, ये हत्या पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की है। इससे पहले भी दो पत्रकार और कलबुर्गी जी हैं और उससे पहले पंसारी जी की भी हत्या हो चुकी है। जी जी, के एम कलबुर्गी जी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 19वां नंबर आर्टिकल बोलता है कि हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हर को अधिकार है बोलने की आज़ादी है, और वो बोलने का जो उसका कंटेंट है वो डिफाइंड है कि वो एंटी नेशनल ना हो। और गौरी लंकेश का कहीं से भी कोई भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो वो एंटी नेशनल नहीं था, राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह में अंतर होता है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी बोल सकता है लेकिन इंडिया के अगेंस्ट कोई नहीं बोलता है। बात करना चाहिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपक तोमर। मैं ये कहना चाहता हूँ गौरी लंकेश जी की जो हत्या हुई है ये हमारे समाज में एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। सबसे बड़ी जरूरत जो है आज वो है कि समाज को जागरूक होना चाहिए और हमें उन लोगों को पहचानना चाहिए जो तथाकथित कुछ लोग हैं जो धर्म का चोला ओढ़ के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं। तो सबसे ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम ऐसे लोगों को पहचानें। जैसे हम आजकल देखते हैं कि नए नए बाबा जो पकड़े जाते हैं जिनके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, तो ज़रूरत यही है कि हम पहचानें कि धर्म की आड़ में कौन क्या काम कर रहा है। धर्म के नाम पर समाज को बांटे नहीं। मैं इस वक्त जाकिर हुसैन कॉलेज में खड़ा हूँ और यहाँ भी हम उन्हीं उसी मुद्दे पर बात करने पहुँचे जिस मुद्दे पर हम सत्यवर्ती कॉलेज में पहुँचे थे। 5 तारीख को गौरी लंकेश जी के उनके आवास पर बेंगलुरु में हत्या कर दी गई थी। दिल्ली का युवा क्या सोचता है, दिल्ली के स्टूडेंट क्या सोचते हैं, एक जर्नलिज्म की हत्या होना ये लोकतंत्र की हत्या है। पत्रकार जो होता है वो चौथा स्तंभ माना है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। यूथ थोड़ा सा घबरा गया, ये जो जनरेशन है जो आज के टाइम में जर्नलिज्म कर रही है, खासकर लेडी महिलाएँ जो पत्रकारिता कर रही हैं या अभी स्टूडेंट है, वो क्या सोचती हैं, उनका क्या नज़रिया है, किस तरह से वो अपनी बात रखती हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो मरने के बाद भी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, बद्दी बद्दी बहुत सारी टिप्पणियां उन पर कर रहे हैं। तो हम उन सब चीज पहलू पर दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं जाकिर हुसैन कॉलेज है उसके स्टूडेंट से हम बात करते हैं। तो आप बताइए, गौरी लंकेश जी की जब हत्या हुई है काफ़ी सारे लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है, मरने के बाद भी उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, काफ़ी लोगों ने गालियाँ दे रहे हैं और वो लोग गालियाँ दे रहे हैं जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी खुद फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या उनका मेंटेलिटी है, क्या उनकी सोच है, किस तरह के लोग, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ऐसे लोगों पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि गौरी लंकेश एक ऐसी महिला थी जो कि सच्ची विचारधारा को सपोर्ट करती थी। कट्टरपंथी जो भी था जिसके अगेंस्ट उन्होंने लिखा, अगेंस्ट लिखना भी चाहिए, हर रिपोर्टर को लिखना चाहिए, हर किसी को अपनी विचारधारा रखने की पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री में है, हमारा हक है, हमें संविधान ने हमें ये हक दिया है, ये हमारा हक है कि हम अपनी विचारधारा रख सकें। लेकिन उसके बाद आजकल कल माहौल ऐसा हो गया, लोग सुनना नहीं चाह रहे, सिर्फ अपनी विचारधारा थोपना चाह रहे हैं। खूब लिखती थी, बहुत ही निर्भीक पत्रकार थी और खासकर एक महिला होने के नाते उन्होंने वो किया है जो आज के टाइम में कुछ करता नहीं है, फिर भी उनके मरने के बाद भी काफ़ी सारे लोगों ने ट्रोल करे, आप किस तरह से देखती हैं? मैं उन लोगों को तो समझाना चाहूँगी ये गलत है। अगर एक अच्छा इंसान अगर सबके बारे में अच्छा लिख रहा है ताकि समाज को एक कर सके, हम धर्मनिरपेक्ष भारत को जोड़ सके, किसी एक धर्म के बारे में ना बोलकर धर्मनिरपेक्ष को लेकर चले, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर उन्होंने इसका यूज़ किया है तो ये सही किया है, तो हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए जो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनको समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, सबको एक साथ लेके चले, ना कि अपने धर्म को आगे रखें, ये तो गलत होगा ना, खाली मैं करेंगे, ये तो घमंड है। हमें इंसानियत का फर्ज निभाना चाहिए, जात मजहब बिरादरी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हत्या हुई है, आप बताइए आप क्या कहना? ये जो हत्या हुई है सिर्फ गौरी जी की हत्या नहीं हुई है, ये हमारे देश के अंदर माहौल खराब करने के लिए आए दिन कोई ना कोई एक ऐसे पैतरे आजमाए जाते हैं। जब से ये RSS और BJP की एक विचारधारा ये जो है जो चालू हुई है, आप JNU को देख सकते हैं, आप नजीब को देख सकते हैं, आप कन्हैया के उस प्रोटेस्ट को पिछले काफी सारे टाइम आप पिछले 6 महीने देखे तो कभी लिंचिंग के नाम पर, कभी किसी खाने पीने के नाम पर, कभी किसी के धर्म के नाम पर लोगों की हत्या हो रही है, एक तरह का माहौल बन रहा है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट हैं, आप कल का भविष्य है, अभी आप इस देश के युवा कल भविष्य है, आज अभी स्टूडेंट है, कल हो सकता है कोई लीडर बने, कोई पत्रकार बने या कोई किसी और फील्ड में जाए। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों का क्या मैसेज है, क्या मैसेज जो नफरत फैला रहे हैं? आज हम जाकिर हुसैन कॉलेज के छात्र हैं तो हम यही संदेश देना चाहते हैं हर एक छात्र को, छात्र का कोई मजहब नहीं होता, हम लोगों का कोई मजहब नहीं है, हम जिस देश के अंदर रहते हैं ये डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर कहा जाता है आप जो बोलते हो आप वो गलत बोलते हो, आप जो बोल रहे हो आप उसको बोलना बंद कर दो, तो हम कहेंगे चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम बोलते रहेंगे। मैं सलाम करना चाहता हूँ उस पत्रकार को जिन्होंने इस देश की आवाज़ उठाई है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
गौरी लंकेश जी की जो हत्या हुई है, मेरे अनुसार ये गौरी लंकेश जी की हत्या नहीं है, विचारधाराओं की हत्या है। ये खुली विचारधाराओं की हत्या है, जो इसको धीरे धीरे लोगों चाहते हैं कि इसे दबा दिया जाए। गौरी लंकेश जी को 3 बुलेट्स लगी थी और मौका वारदात पर 4 बुलेट्स की कार्टेज मिली थी। तो हम इसे क्या देखना, हम क्या समझ सकते हैं? हम जब अगर हम इसे चरण के रूप में देखेंगे तो 3 चरण हैं। एक वो लोग जिन्होंने इस चीज़ को कॉन्स्पायर किया कि उनकी हत्या करनी है, दूसरे वो लोग जिनके द्वारा ये हत्या की गई, तीसरे वो लोग जो मौका वारदात पर हत्या करने वाले थे। अगर हम पहले के दो चरण को छोड़ते हैं और तीसरे चरण को लेते हैं, जिन लोगों ने कॉन्स्पायर किया, जिन लोगों ने ये रणनीति बनाई कि उनकी हत्या करनी है, वो लोग हैं कौन? हम जानते हैं बेहतरी अच्छे तरीके से कि गौरी लंकेश जी जो है वो शुरुआत से ही संघ परिवार के विपरीत में लिखती हुई आई हैं। और हम इस चीज़ को जब हम देखते हैं उनकी हत्या के बाद, अभी तक बीजेपी का, आरएसएस का या संघ परिवार का कोई भी बड़ा नेता की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का बयान अभी तक नहीं आया है। तो ये हम क्या देखें, हम अपने भारत को हम कहाँ देख पाते हैं? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं आगे आएँ। और मैं सोचता हूँ पत्रकार अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पत्रकार भी दो तरह से डिवाइड हो गया है, एक तरफ सपोर्ट में जा रहा है, एक तरफ थोड़ा सा मामले को किसी और मोड़ पे लेके जा रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हत्या हुई है उस हत्या से मुझे नहीं लगता कि पत्रकार घबराने वाले हैं। मुझे लगता है इससे उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जो उन्हें और अच्छे तरीके से और खुले रूप से लिखने को प्रेरित करेगा।